चलिए स्टार्ट करते हैं। हिच पेन नहीं चल रहा है क्या? ये लीजिए। हिच कॉम्बिनेशन ऑफ कीज इज यूज्ड टू मेक टेक्स्ट बोल्ड इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए क्या यूज करते हैं? बिन वर्ड ओपन करते हैं, ठीक है, और इसको फटाफट करते जाइए प्रैक्टिकली भी। चलिए बिन वर्ड भी खोल लिया एक तरफ, और एक तरफ खोल लिया एक्सेल भी खोल लिया, ठीक है। चलो देखो, तो यहां पर बात हो रही है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, ठीक है, तो दोनों में अलग अलग आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को लिखते हैं, ठीक है, इसे बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस बी। अगर एक्सेल में यही काम करना है तो क्या होगी शॉर्टकट की? एक्सेल में अगर बोल्ड करना है टेक्स्ट तो कंट्रोल प्लस बी वही काम करेगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा इसमें आप यूज कर सकते हैं किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, क्या यूज कर सकते हैं? शॉर्टकट की बताया था, याद है, एक्सेल में अगर बोल्ड करना है तो शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस टू करिएगा। कंट्रोल प्लस टू क्या है होती है इससे? ये कंट्रोल प्लस टू किया, ये बोल्ड हो गया टेक्स्ट, देखिए बोल्ड हो गया। तो एक्सेल की अगर बात होती है तो एक्सेल में टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस टू या कंट्रोल प्लस बी, दोनों से होते हैं। बोल्ड द सेलेक्टेड टेक्स्ट, सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करना, ठीक है। कंट्रोल प्लस थ्री से क्या होता है एक्सेल में? कंट्रोल प्लस थ्री से, हाँ, ये कंट्रोल प्लस थ्री करता हूं इस टेक्स्ट पर, कंट्रोल प्लस थ्री क्या हो गया इससे? इटैलिक हो जाता है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस आई टू से बोल्ड, कंट्रोल प्लस थ्री से इटैलिक, और कंट्रोल प्लस फोर से क्या होता है? कंट्रोल प्लस फोर ये होता है अंडरलाइन, ये देखिएगा, ये कंट्रोल प्लस फोर, ये क्या हो गया? अंडरलाइन हो गया, अंडरलाइन। कंट्रोल प्लस थ्री से क्या होता है? इटैलिक। कंट्रोल प्लस फोर से अंडरलाइन, और कंट्रोल प्लस फाइव से, क्या होता है? हाँ, क्या होता है? स्ट्राइक थ्रू। कंट्रोल प्लस फाइव शब्दों के बीच से लाइन खींचना, ये। लेकिन यहां पर क्वेश्चन सिंपल सा है, एमएस वर्ड के लिए है, कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस बी, ठीक है। अगला, हिच कमांड इन एमएस वर्ड 2016 हेल्प इन आइडेंटिफाई दैट चेंज आर मेड इन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। सब दिख रहा? वर्ड में कौन सा कमांड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में किए गए परिवर्तन की पहचान करने में मदद करता है? बताइए। हाँ, राइट आंसर क्या होगा? ट्रैक चेंज होगा। कैसे होगा? देखिए, आप वर्ड ओपन कर लीजिए, ठीक है, बिन वर्ड, ये बिन वर्ड ओपन कर लिया हमने, ठीक है, और यह है एमएस वर्ड है, ठीक है। एमएस वर्ड में कोई भी आप कंटेंट यहां पर लिख दीजिए। हमने यहां पे क्या किया? कोई भी कंटेंट हमने पैराग्राफ लिख दिया, कोई पैराग्राफ रेंडमली अपने इसको पैराग्राफ आ जाएगा। चलिए, हमने लिख दिया, आपको बोला गया कि इस लाइन को, इस हेडिंग को, मान लीजिए हेडिंग है, इस हेडिंग को आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, कलर करना है, ये सब चीज आपको करना है, आपको ये बोल दिया गया। तो आपने क्या किया, ये सेलेक्ट कर लिया, इसको आपने कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, और कलर भी कर दिया, और फ़ॉन्ट की साइज भी बढ़ा घटा दिया, ठीक है। ये ऐसे ही चेंजेस आपने इसमें कर दिया, ठीक है ना, ये ग्रीन कलर कर दिया, और ये बोल्ड कर दिया, फ़ॉन्ट की साइज बढ़ा दिया आपने, और ये सब पूरे चेंजेस आपने कर दिया, ठीक है ना।
तो यहां पर जो आप चेंजेस कर रहे हो ठीक है ना, तो इसका ट्रैक बना के रखता है, कौन रखता है ये ट्रैक चेंज। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि आप इससे पहले आप कहां जाएंगे, वर्ड में जाएंगे, ट्रैक मतलब कि इस चेंजेस करने से पहले ही आप कहां जाएंगे, यहां पर जाएंगे रिव्यू में जाइएगा, रिव्यू ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये रिव्यू ऑप्शन वर्ड ओपन करिएगा, वर्ड में आपको दिखाई देता है रिव्यू ऑप्शन, इस रिव्यू ऑप्शन में आपको जाना है, ट्रैक चेंज को ऑन कर देना है, ऑन कर दिए तो ऑन बस हो गया है ना, चलिए ऑन कर देना है। इसके बाद फिर ये कंटेंट आपको लिखना है, जो भी ये है कंटेंट आपने लिखा, इसके बाद चेंजेस करिए आप, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो भी करना है आपको फिर से करिए ठीक है, तो बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया है ना, तो ये पूरा चेंजेस आ रहा है यहाँ पे, हमने क्या कर दिया अंडरलाइन कर दिया, ये भी चेंजेस यहाँ बता रहा है आपने क्या किया हुआ है, बताएगा यहाँ पर है ना, ये अंडरलाइन बता दिया हमने, यहाँ फोन की साइज बढ़ा दिया, ये फोन की साइज हमने ये कर दिया, इतना कर दिया, देखिए यहाँ बता रहा है आपने क्या किया है, फॉर्मेटिंग ये कर दिया आपने, और भी फॉर्मेटिंग हम कर देते हैं यहाँ पर, ये सेलेक्ट करते हैं और ये फॉर्मेटिंग हमने फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, इतना कर दिया, और हमने कर दिया क्या रेड कर दिया, ये फॉर्मेटिंग किया आपने ना, तो ये ट्रैक चेंज इस चेंजेस को आइडेंटिफाई किया है, पहचान के रखा है कि इसमें क्या किया गया है, जो चेंजेस आपको चाहिए, इसे मान लो कि ये कहा गया ये चेंजेस आपको रखना है, रखना है ये चेंजेस, तो क्या करेंगे रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू टैब में जाएंगे ठीक है, ये रिव्यू टैब में हम गए, इसके बाद यहां पर जो चेंजेस आपको रखना है उसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर, उसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट जब कर लेंगे तो वो चेंजेस रहा आएगा, वो चेंजेस जैसा चाहिए वैसा रहे आएगा, लेकिन आपने कहा कि यार ये नहीं करना था हमें, ये चेंजेस हमको नहीं चाहिए, तो क्या कर देंगे आप, तो इसके लिए आप इसको कर देंगे क्या रिजेक्ट कर देंगे, जब आप इसको रिजेक्ट कर देंगे तो रिजेक्ट कर देंगे आप इसको, देखिए यहां पर ये देखिए रिजेक्ट कर देंगे तो ये चेंजेस अब नहीं आएगा, देखिए हट गया ना, ये जो चेंजेस चाहिए होता है उसके लिए क्या करेंगे हम एक्सेप्ट करेंगे, और जो चेंजेस नहीं चाहिए उसके लिए क्या करेंगे हम रिजेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट किया ये यहां से कर दिया हमने रिजेक्ट, तो रिजेक्ट कर देंगे क्या होगा ये जैसा पहले था वैसे हो जाएगा, अगर एक्सेप्ट कर लेंगे हम तो क्या होगा ये चेंजेस रहा आएगा, मतलब ये चेंजेस रहेगा, ये देखिए वो हट गया ये चेंजेस है ठीक है, तो इस तरह से ट्रैक, ये ट्रैक चेंजेस क्या करता है, ट्रैक चेंज आपके वर्किंग को, आपके एक्सचेंजेस के, आपको एक्टिविटी को यहाँ पे ट्रैक करके रखता है कि आप क्या चेंजेस कर रहे हो, चेंजेस चाहिए तो क्या करेंगे कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे एक्सेप्ट, और चेंजेस नहीं चाहिए क्या करेंगे हम रिजेक्ट यूज करेंगे, ऐसा इसका यूज ये आता है ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन ये है, हाँ चाहे 2010 में चाहे कोई वर्जन में हो ट्रैक चेंज ऑप्शन रहता है, यहां पर 2010 से ऊपर वाले में 2010 में 7 में 2007 में या 10 में कौन सा कमांड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में किए गए परिवर्तनों की पहचान करने में मदद करता है ठीक है। तो यहां पे व्हिच कमांड इन एमएस वर्ड 2016 हेल्प इन आइडेंटिफाई दैट चेंज द मेड इन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपने चेंजेस किया है उसको पहचानने के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, एमएस वर्ड का कौन सा फीचर ट्रैक चेंजेस ऑप्शन का यूज करेंगे ठीक है। अगला है व्हिच कमांड यूज टू मेक वर्ड अंडर लाइंड इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में अगर आपको क्या करना है अंडर किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो क्या यूज करते हैं, यहां पर ये टेक्स्ट है और यहां पर किसी सेंटेंस को कंट्रोल प्लस यूज कर रहे हैं क्या होगा अंडरलाइन, नीचे से अंडरलाइन आ जाएगा ठीक है ना। अगर अंडरलाइन हटाना क्या करेंगे कंट्रोल प्लस यू वापस फिर कर देंगे, कंट्रोल यू करेंगे तो लग गया, कंट्रोल यू करेगा तो हट गया ठीक है ना, जिससे लगेगा उसी से हटेगा। अगर मान लो ये कंट्रोल यूज क्या होता है सिंगल अंडरलाइन ठीक है ना, सिलेक्टेड टेक्स्ट में अंडरलाइन होता है अंडर लाइन हो गया, लेकिन अगर आपको डबल अंडरलाइन करना है क्या करेंगे डबल अंडरलाइन, डबल
अंडरलाइन, क्या करेंगे इसके लिए हम, हाँ तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ये प्रेस करने से डबल अंडरलाइन आता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। तो ये सॉर्टकट की नोट करते जाइएगा, पता चला कि यहां पे क्वेश्चन खत्म हो गया और एक तरफ से भूलते जा रहे, इसलिए हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि ताकि प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो याद भी रहेगा, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, ह्यूज कमांड यूज टू मैक वर्ड अंडरलाइन इन वर्ड 16, कंट्रोल प्लस यू। अगर यहीं पे आता कि मैक डबल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, तो क्या होता इसके लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस डी, ये होता, ठीक है। अगला अगला बताइए इसका आंसर क्या होगा, जब हम सिस्टम को बूट कर रहे होते हैं, बूट क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस क्या है, तो बूटिंग प्रोसेस में होता क्या है, देखिए बूटिंग क्या होता है, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो तुरंत क्या होम स्क्रीन आती है, क्या सामने डेस्कटॉप दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। उस समय क्या होता है, जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के मेमोरी में क्या होता है, लोड होता है, कंप्यूटर के मेमोरी में क्या होता है, लोड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर के मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना बूटिंग कहलाता है। बूटिंग दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं बूटिंग, बूटिंग दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कोल्ड बूटिंग और दूसरा क्या होता है, वार्म बूटिंग होता है। कोल्ड बूटिंग किसे कहते हैं, सिस्टम को जब ऑन करते हो आप फर्स्ट टाइम पे, कंप्यूटर पहले बंद रहेगा और चालू करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, कोल्ड बूटिंग, जब सिस्टम बंद रहे, ठंडा रहे सिस्टम, ठीक है ना। और वार्म बूटिंग क्या होता है, जब सिस्टम पहले से ही चालू रहे, अब ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होगा, उसे हम क्या कहेंगे, वार्म बूटिंग कहेंगे। तो वार बूटिंग को हम लोग सॉफ्ट बूटिंग भी कहते हैं, वार बूटिंग क्या कहते हैं हम लोग, सॉफ्ट बूटिंग भी कहते हैं। और कोल्ड बूटिंग को और किस नाम से जानते हैं, हार्ड बूटिंग, हार्ड बूटिंग भी कहते हैं। तो जब आप कंप्यूटर को, सिस्टम को चालू कर रहे होते हैं, बूट कर रहे होते हैं, तो और यह पूरी तरह बूट हो जाता है, पूरी तरह से लोड हो जाता है, तो और कार के लिए तैयार हो जाता है, और स्क्रीन पर क्या आपको दिखाई देता है, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं, राइट, ऐसे क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप। लेकिन अगर आप कंप्यूटर में पासवर्ड डाल के रखे हुए हैं तो डायरेक्ट डेस्कटॉप थोड़ी दिखाई देता है, इससे पहले क्या दिखाई देता है, ऑथेंटिकेशन मोड दिखाई देता है, जहां पे आपको पासवर्ड डालना पड़ता है। जैसे मोबाइल में अगर आप होम स्क्रीन लॉक कर दीजिए तो पहले होम स्क्रीन थोड़ी दिखाई देगी, वो पहले ऑथेंटिकेशन मोड ऑन होगा, पहले आप पैटर्न डालिए, पासवर्ड डालिए, फिर आपको होम स्क्रीन दिखाई देता है मोबाइल पे। तो उसी तरह से डेस्कटॉप, तो सिस्टम को बूट होने के बाद क्या दिखाई देता है आपको, डेस्कटॉप दिखाई देता है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका आंसर, हाँ आ? हिंदी से देखना है, हिंदी से देख लीजिए। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में कहां से डिवाइस और प्रिंटर विकल्पों का उपयोग करते हुए एक नया प्रिंटर जोड़ सकते हैं या जोड़ा जाता है, मतलब इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी हेल्प से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए, किसी भी डिवाइस को सिस्टम पर चलाने के लिए उससे संबंधित क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर हमें प्रिंटर का सॉफ्टवेयर, प्रिंटर अगर आपको चलाना है कंप्यूटर में, तो प्रिंटर का क्या चाहिए हमें, सॉफ्टवेयर, जिसे क्या कहते हैं, प्रिंटर का ड्राइवर,
तो प्रिंटर का ड्राइवर क्या होता है, हार्डवेयर की सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर होता है। तो उस सॉफ्टवेयर को हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप कंट्रोल पैनल में जाकर के आप ऐड या रिमूव कर सकते हैं ड्राइवर को। तो जिस तरह से मोबाइल में आप सेटिंग करके आप एप्लीकेशन को ऐड रिमूव करते हैं, ठीक है ना, एप्लीकेशन कितने एप्लीकेशन इंस्टॉल है वो देखते हैं, सेटिंग जाते हैं ना, उसी तरह से अगर आप देखें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सेटिंग होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं वहां पर कंट्रोल पैनल कहते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर जाइएगा, स्टार्ट पे सर्च करिए क्या, कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल, ये क्या है कंट्रोल पैनल, ठीक है, ये खुला कंट्रोल पैनल, यहां से एप्लीकेशन को ऐड रिमूव कर सकते हैं। यहां पर जाइए व्यू बाई लार्ज आइकन, यहां पर जाकर के आपको लार्ज आइकन में देखना है या कैटेगरी वाइज देखना है। कैटेगरी वाइज देखेंगे तो कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं कंट्रोल पैनल में, तो कंट्रोल पैनल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कंट्रोल पैनल के अंतर्गत कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं, तो ये एक नजर में आप देख लो क्या क्या रहता है ऑप्शन। सिस्टम सिक्योरिटी रहता है, अकाउंट यूजर अकाउंट रहता है, नेटवर्क एंड इंटरनेट रहता है, अपीयरेंस पर्सनलाइजेशन रहता है, क्लॉक रीजन रहता है, हार्डवेयर एंड साउंड रहता है, इजी ऑफ एक्सेस रहता है, प्रोग्राम रहते हैं। यहाँ प्रोग्राम के अंतर्गत आप प्रोग्राम को ऐड इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए है ना, जितने भी प्रोग्राम ऑलरेडी डले हुए हैं ये पूरे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से ये पूरे सॉफ्टवेयर डले हुए हैं, ठीक है, ये है क्या कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कंट्रोल पैनल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड 16 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑफ यूज कीबोर्ड शॉर्टकट। हिंदी में देख लीजिए, ये बर्ड की बात नहीं है, ये कोई भी सॉफ्टवेयर में हो, चाहे वो एक्सेल की बात हो, चाहे पावर पॉइंट की बात हो, चाहे आउटलुक की बात हो, चाहे बर्ड की बात हो, सभी में लगभग वही उसी चीज को वही बोलते हैं, क्या कहते हैं। देखिए अगर आप यहां पर बर्ड ओपन कर लीजिए, ठीक है, और बर्ड ओपन करने के बाद यहां पर अगर मैं कहूं यहां पर हमने कौन से ऑप्शन पे क्लिक करने के लिए कर्सर ले गए हैं, बोल्ड के लिए, तो यहां पर अभी डिसेबल टूल टिप का ऑप्शन, तो यहां पर क्लिक करने से, यहां पे ऑप्शन ले जाने से ये कौन सा ऑप्शन है लिख कर किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको हम, टूल टिप कहते हैं। ये कर्सर यहां पे ले जाते हैं तो ऑप्शन क्या होता है, वापस आ जाता है, इस तरह से आ जाता है कि है क्या ऑप्शन, यहां पर ले जाएंगे तो क्या बोलते हैं उसको हम, टूल टिप कहते हैं। यहां पे ले जाएंगे तो क्या उस ऑप्शन है, ये अंडरलाइन है, तो यहां पे नीचे अंडरलाइन लिख के आ जाता है, शॉर्टकट बता देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टूल टिप कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टूल टिप हो जाएगा। हाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा, इन एमएस पावर पॉइंट स्लाइड सॉर्टर कमांड इन फाउंड अंडर व्हिच मेनू। चलिए पावर पॉइंट ओपन करके दिखाते हैं आपको, ठीक है ना, पावर पॉइंट फाइल का, एप्लीकेशन फाइल का नाम क्या होता है, पावर पॉइंट, पावर पॉइंट के एप्लीकेशन फाइल का नाम क्या होता है, पावर पॉइंट के एप्लीकेशन फाइल का नाम होता है पावर, क्या होता है, पावर पीएनटी, पावर पीएनटी डॉट ईएक्सई होता है, याद रखिए एप्लीकेशन फाइल का नाम होता है ये। तो आप विंडो आर करिए और यहां पे डालिए क्या, पावर पीएनटी, ठीक है, और पावर पीएनटी लिखिए और ओके करिए, क्या खुल गया, पावर पॉइंट खुल गया। अब यहां पे क्वेश्चन ये है,
कि कौन सा ऑप्शन स्लाइड सॉर्टर कमांड कहां होता है। तो यहां पर जाइए, देखिए स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन कहां जाइए, व्यू में जाइए, हाँ व्यू में जाइए, और व्यू में जाने के बाद यहां पर आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये स्लाइड मास्टर, ठीक है। यहां पर स्लाइड सॉर्टर व्यू में ही होगा, यहां पे व्यू स्लाइड सॉर्टर, ये यहां पे है ना स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन, ये ठीक है। तो स्लाइड सॉर्टर यहां पर ऑप्शन, ये किसके अंतर्गत आता है, प्रेजेंटेशन व्यू। तो प्रेजेंटेशन व्यू में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, प्रेजेंटेशन व्यू में ऑप्शन इतने होते हैं, प्रेजेंटेशन व्यू फर्स्ट ऑप्शन कौन सा रहता है, नॉर्मल। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन व्यू के अंतर्गत कौन कौन सा ऑप्शन है, नॉर्मल है, दूसरा कौन सा है, नॉर्मल, दूसरा स्लाइड सॉर्टर, तीसरा नोट्स पेज और रीडिंग व्यू, ठीक है, ये ऑप्शन होते हैं। इसके बाद अगला क्या है, मास्टर व्यू। तो ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है, केवल कौन सा ऑप्शन होता है या कौन सा नहीं होता है। तो मास्टर व्यू के अंदर कौन कौन से आते हैं, मास्टर व्यू, मास्टर व्यू में आपका आता है इस, ये स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर और नोट मास्टर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसके अंतर्गत आता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर कमांड किस मेनू में आता है, व्यू मेनू के अंतर्गत आता है, व्यू में आ रहा है ना, व्यू में आ रहा है, व्यू में आएगा। अगला क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल, फुल फॉर्म यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, हाँ अच्छा यूआरएल क्या होता है, विंडो आर प्रेस करिए और जाते हैं यहां पर क्रोम, ये क्रोम पर हम गए, ठीक है, ये क्रोम पर यहां पर जाते हैं, ठीक है, और यहां पर हमें वेबसाइट खोलते हैं www.examyug.in, ठीक है। तो ये क्या है, ये वेबसाइट है, यहां पर ये वेबसाइट का पूरा एड्रेस है, ठीक है, ये है वेबसाइट, ठीक है, ये। इसके बाद इसको पूरे एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, यूआरएल कहते हैं, इसको आप कॉपी करके आप अगर पेस्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको यूआरएल इस तरह से नजर आएगा, ये पूरा कहलाएगा, पूरा किसी वेबसाइट का ये यूआरएल है, ठीक है, https, ये http क्या है, http का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या है, प्रोटोकॉल होता है, और यस फॉर क्या होता है, सिक्योरिटी, सिक्योर, ठीक है। तो जिस वेबसाइट में https लगा है, मतलब ये उसमें क्या लगा है, SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL सर्टिफिकेट लगा है, मतलब वो वेबसाइट सिक्योर है, और जिसमें अगर https भर है यानी वो अनसिक्योर है। तो जिसमें https नहीं लगा होता है उस वेबसाइट में हमें ट्रांजेक्शन करने से बचना चाहिए, क्योंकि वो वेबसाइट सिक्योर नहीं होगी, ठीक है ना, और जिसमें https लगा होता है कंपेयर में क्या होगी, वो सिक्योर होगी। तो यहां पर बात आती है http, तो वो क्या कहलाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या है, प्रोटोकॉल है, ठीक है, और यस फॉर सिक्योर, पूरे क्या बोलेंगे हम लोग, ये URL पूरा है ये, ठीक है। तो ये URL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, आगे चलिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका राइट आंसर। क्या लिखा है ये, आलू,
एएलयू। क्या होता है ये? एएलयू का पूर्ण रूप होता है अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू का पार्ट है ये सीपीयू। सीपीयू में कौन कौन से पार्ट होते हैं? एएलयू अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट। और ये क्या काम करता है? मैथमेटिकल और लॉजिकल काम करता है। अगला क्या दिया है? एमयू। एमयू का पूर्ण रूप क्या होता है? मेमोरी यूनिट, ठीक है। और सीयू क्या है? कंट्रोल यूनिट। और क्या होता है? रजिस्टर। और क्या होते हैं? रजिस्टर। रजिस्टर में कौन कौन से प्रकार होते हैं? प्रोग्राम काउंटर। और क्या होता है? एक्यूमुलेटर। ये क्या है रजिस्टर के प्रकार। लेकिन यहां पर सीपीयू के पार्ट हो गए क्या क्या? एएलयू, एमयू, सीयू और रजिस्टर्स। ये सब किसके पार्ट हैं? सीपीयू के पार्ट हैं। तो जिसमें एएलयू का पूर्ण रूप होता है अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट होता है। और यह क्या काम करता है? मैथमेटिकल गणितीय और लॉजिकल काम करता है, लॉजिकल वर्क करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इज, इसका आंसर ये होगा ना अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट फर्स्ट वाला होगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इज, दुनिया का पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताइए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या होगा राइट आंसर इसका? आपको पता है थर्ड वाला। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इनेक का। इसका फुल फॉर्म नोट डाउन करिए, इलेक्ट्रॉनिक ये बताया था ना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। हाँ, ठीक है, कंप्यूटर डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? जेपी एकर्ट एंड जॉन मोचली के द्वारा किया गया था। जेपी एकर्ट एवं जॉन मोचली के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये अगला क्या है? यूनिवेक। यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या? राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? एनियक, ठीक है ना। लेकिन यूनिवेक का फुल फॉर्म लिखिए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवेक का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद लिखो अगला एडीवेक। इसका फुल फॉर्म लिखिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट ऑटोमैटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। अगला लिखिए एडीसेक
एडीसेक का फुल फॉर्म लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिले इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिले इलेक्ट्रॉनिक डिले डिले ऑटोमेटिक कैलकुलेटर ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कैलकुलेटर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, तो इसमें से विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC। अगला, द कंप्यूटर एब्रीविएशन केबी यूजली मीन्स, केबी का मतलब क्या होता है कंप्यूटर में, केबी का मतलब क्या होता है रणेश, क्या हो जाएगा इसका? किलो बाइट। ठीक है, तो यहां पर किसके अंतर्गत क्वेश्चन है? ये मेमोरी मेजरमेंट यूनिट, केबी एमबी टीबी, टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? टेराबाइट। और बाइबी मतलब क्या होता है? हाँ, योटाबाइट। जेडबी यानी क्या होता है? जेटाबाइट। तो मेमोरी मेजरमेंट यूनिट में देखिए कौन कौन से मेमोरी होते हैं, तो नोट डाउन करिएगा, मेमोरी मेजरमेंट यूनिट, मेमोरी मेजरमेंट यूनिट, ठीक है, मेमोरी मेजरमेंट यूनिट। हाँ, तो वन बिट, वन बिट, बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट। तो वन बिट बराबर होता है, वन बिट यानी कि क्या होता है? बाइनरी डिजिट। वन बिट का मतलब होता है क्या? वन बाइनरी डिजिट। तो बिट का फुल फॉर्म कभी कभी पूछता है कि बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट, बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट होता है इसका फुल फॉर्म, बाइनरी डिजिट। ठीक है, अगला लिखो, अभी टाइपिंग कर लो आप, अभी यहां पर टाइपिंग कर लो, इसके बाद करना है ना। ठीक है, बाइनरी डिजिट। इसके बाद अगला क्या है? आठ बिट, एट बिट बराबर कितना होता है? एट बिट बराबर कितना होता है? हाँ, आठ बिट बराबर होता है वन बाइट होता है। ठीक है, वन बाइट। और अगर बात आती है वन निबल, हाँ वन निबल, एक निबल बराबर कितना होता है? एक निबल बराबर होता है कितना? फोर बिट होता है। एक निबल को हम कहते हैं फोर बिट। तो अगर हम बात कहते हैं कि बताइए कि आठ बिट बराबर कितने निबल होते हैं, आठ बिट बराबर कितने निबल होंगे? दो निबल होंगे। ठीक है, चलिए अगला, ये मेमोरी मेजरमेंट यूनिट पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन एक ने एक जरूर पूछ सकता है। ठीक है, मेमोरी मेजरमेंट यूनिट से बाइनरी नंबर सिस्टम के अंतर्गत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला है 1024 बाइट, 1024 बाइट, 1024 बाइट बराबर कितना होता है? वन केबी यानी किलोबाइट, किलोबाइट, किलो बाइट। ठीक है, ये क्या होता है? एक 1024 बाइट बराबर वन किलो बाइट। अगला करिएगा नोट डाउन, 1024 एमबी, 1024 एमबी मेगा बाइट बराबर कितना होता है? वन जीबी, वन जीबी यानी वन गीगा बाइट, 1024 मेगा बाइट बराबर वन जीबी, गीगा बाइट। नेक्स्ट करिएगा 1024 जीबी, 1024 जीबी बराबर 1 टीबी, टीबी यानी होता है टेरा बाइट, टेरा बाइट।
टेराबाइट, 1024 जी बराबर 1 टेराबाइट, ठीक है, 1024 टेराबाइट बराबर 1024 टीबी, टेराबाइट बराबर क्या होता है 1 पीबी, 1 पीबी मतलब क्या होता है पेटाबाइट, पेटाबाइट, पेटाबाइट। अगला नोट डाउन करिएगा, 1024 क्या पेटाबाइट पीबी, 1024 पीबी बराबर क्या होता है 1 ईबी, 1 ईबी, ईबी यानी एक्साबाइट, एक्साबाइट, ठीक है। और 1024 ईबी, 1024 एक्साबाइट बराबर, एक्साबाइट बराबर 1 जेड बी, जेड बी, जेड बी यानी क्या होता है जेटाबाइट, जेड बी यानी जेटाबाइट। और ठीक है, नेक्स्ट 1024 जेड बी बराबर 1024 जेड बी बराबर जेटाबाइट बराबर होता है 1 बाई बी, बाई बी यानी होता है क्या योटाबाइट, 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 ठीक है। 1024 जेटाबाइट बराबर होता है 1 योटाबाइट, ठीक है। और 1024 योटाबाइट बराबर होता है 1024 योटाबाइट बराबर होता है 1 ब्रोंटोबाइट, ब्रोंटो, ब्रोंटो, 1 ब्रोंटोबाइट, ठीक है, 1 ब्रोंटोबाइट। अगला नेक्स्ट करिएगा, 1024 ब्रोंटोबाइट बराबर 1024 बीबी, ब्रोंटोबाइट बराबर कितना होता है 1 जियोबाइट, जियोबाइट, जियोबाइट। और जियोबाइट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी मेजरमेंट यूनिट, जियोबाइट सबसे बड़ी मेजरमेंट यूनिट है। अब याद रखिएगा, क्वेश्चन इसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी का बढ़ते क्रम में है, ऐसे अगर पूछता है, मान लो दे दिया क्या फर्स्ट ऑप्शन दे दिया टीबी, एमबी, जीबी, केबी, ठीक है ना, ऐसे दूसरा ऑप्शन दे दिया केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ऐसे पूछेंगे कि वैसे कौन सा बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में है, तो ये भी आपको क्रम पता होना चाहिए, क्योंकि अगर सीक्वेंस अगर याद है तो आप बता लेंगे। तो बताइए इसमें बढ़ते क्रम में कौन सा है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, हाँ, व्हाट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंडक्टिंग वीडियो कॉल यूजिंग टेलीकॉम, कंडक्टिंग टेलीफोन कॉल्स, कंडक्टिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस यूजिंग सेट ऑफ टेस्ट टेलीकॉपिक टेक्नोलॉजी, ए लो स्पीड एंड हाई प्राइस एक्टिविटी, क्या होगा इसका आंसर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, क्या होगा, हाँ, क्या होगा राइट आंसर, नहीं, राइट आंसर होगा इसका
टेलीकॉम तकनीकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल्स करना, ये बताइए कि वीडियो कॉल्स करना है तो आपको यहाँ पे टेलीकॉम कंपनी मतलब टेलीकॉम की हेल्प से, अगर आप चाहें तो मोबाइल के माध्यम से, आप यू सिम यूज करते हैं, नंबर यूज करते हैं, है ना, आप उसका यूज करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेलीकॉम तकनीक का प्रयोग करती है वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉल्स करना, ठीक है। दूर स्थित व्यक्ति से फेस टू फेस बात करने के लिए जिस तकनीकी का यूज करते हैं उस शब्द को हम कहते क्या है, कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं, ठीक है। अगला आंसर क्वेश्चन देखिए कि वर्ड में व्हाट मेन्यू इज यूज टू सेव आर सेव एस। अगर आपको फाइल को सेव करना है, चाहे वर्ड की बात हो चाहे एक्सेल की बात हो, ये कहां मिलते हैं ऑप्शन, फाइल मेनू में ऑप्शन में मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, चलो ये पावर पॉइंट क्वेश्चन है ना,